लाखों की तादाद में यह भीड़ यहाँ जमा होने वाला है। यह सैलाब में आनंद लेने के लिए बड़ी ताकत चाहिए, बड़ी शक्ति चाहिए। नेपाली कांग्रेस के गर्व से पैदा लेना होगा, तभी इस विशाल आम सभा का, ऐसे विशाल आम सभा में हम लोग आनंद ले सकते हैं। इसका भरपूर फायदा शुभेच्छुक अंग से कि हमारे इस कार्यक्रम को एवी न्यूज टेलीविजन, जो नेपाल की बड़ी प्रतिष्ठित और बड़ी शानदार टेलीविजन एवी न्यूज टेलीविजन है, और बीच रास्ते में महिलाएं और पुरुष की जो बीच लाइन है, ये लाइन में हमारे नेपाल विद्यार्थी संघ, नेवी संघ और तरुण दल के साथ ही स्वयं सेवा के रूप में है, उनके सहयोग से आप लोग बैठने को प्रयास करेंगे। इस भारी आम सभा को शांतिपूर्ण तरीका से आप लोग सहयोग करने को अपेक्षा करें। यह हमारा आम सभा है, एक से एक नेतागण हमारे सामने उपस्थित होने वाले हैं, नेपाली कांग्रेस के अनुभवी राजनीतिज्ञ, नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड़ेल जी पधारने वाले हैं। नेपाली कांग्रेस के स्टेज के प्रयास हमारे नेतागण, हमारे नेतागण आ चुके हैं। भीड़ को देखकर नंबर दो की ये कांग्रेस की सैलाब ने परिवर्तन कर दिया है, बदल दिया है। सभी को लिए है नेतागण इस स्टेज पर से बड़ी अच्छी तरह से दिखाई पड़े। शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाए, सुरक्षा कर्मी सहयोग कर रहे हैं, हम लोग स्वयं स्वयं से बैठे। नेपाली कांग्रेस के नेतागण से अनुरोध है, नेपाली कांग्रेस जो गांव गांव से आए हुए हैं, कृपया करके शांति शांति रूप से बनाए। यह आम सभा हम लोगों का खाली कर दिया जाए, नेतागण को स्वागत हम लोग माला लगाकर कर चुके हैं। कृपया करके जो हमारे केंद्र से आए हुए नेतागण हैं, वो नेतागण के अलावा और नेतागण स्टेज को खाली कर दे, ताकि इस स्टेज से हमारे नेतागण को सारे के सारे ये सैलाब, ये भीड़, ये लाखों की सभा देख सके। कृपया करके ये सभा में हमारे केंद्रीय नेता, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे महामंत्री जी उपस्थित हो चुके हैं,
अब हमारे नेतागण के आनंदमय स्वरूप सारे लोगों को देखनी चाहिए, इसीलिए कृपया करके ये स्टेज खाली होना चाहिए। और मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, किसी भी तरह की यहाँ असुविधाएं नहीं है, स्टेज से आप लोग नेता को देख पाएंगे। बहुत बड़े बड़े LCD लगा हुआ है, वहां से आप लोग इस क्षेत्र के रहनुमा सांसद नेपाली कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय सदस्य आफ्ताब आलम जी, उन लोगों का सारगर्भित मंतव्य आप लोगों को सुनना है। आप लोग शांतिपूर्ण रूप से बैठ जाएं। स्टेज में भी नेतागण साथीगण अत्यंत शांतिपूर्वक हम लोग बैठ जाए। ये कार्यक्रम अब शुरू होने के करीब में है। अनुभवी राजनीतिज्ञ पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री रामचंद्र पौड़े जी से हार्दिक अनुरोध करता हूं, इस विशाल आम सभा में विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण करने के लिए नेपाली कांग्रेस के महामंत्री बीपी पुत्र डॉक्टर शशांक कोइराला जी से हार्दिक अनुरोध करता हूं। इस विशाल आम सभा में विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण करने के लिए रौतहट क्षेत्र नंबर 2 के सांसद, इस क्षेत्र के रहनुमा नेपाली कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय सदस्य शेख आफ्ताब आलम जी से हार्दिक अनुरोध करता हूं। इस सभा में अतिथि आसन ग्रहण करने के लिए नेपाली कांग्रेस रौतहट के पार्टी सभापति कृष्ण यादव जी से हार्दिक अनुरोध करता हूं। इस विशाल आम सभा में अतिथि के आसन ग्रहण करने के लिए संघीय सांसद, इस विशाल आम सभा में अतिथि के आसन ग्रहण करने के लिए प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य संसदीय दल के उपनेता शेख राशिद अली जी से हार्दिक अनुरोध करता हूं। प्रदेश सभा सदस्य आसन ग्रहण करने के लिए नेपाल तरुण दल के महासचिव भूपेंद्र चंद साई जी से हार्दिक अनुरोध करता हूँ। इसी तरह आसन ग्रहण करने के लिए महासमिति सदस्य गीता खनाल जी से हार्दिक अनुरोध करता हूँ। अतिथि आसन ग्रहण करने के लिए बेल्जियम नेपाली कांग्रेस जनसंपर्क समिति के अध्यक्ष सीता सापकोटा जी से हार्दिक अनुरोध करता हूँ। नेपाली कांग्रेस रौतहट के वरिष्ठ नेता मोहम्मद महताब आलम जी से हार्दिक अनुरोध करता हूँ अतिथि आसन ग्रहण करने के लिए। नेपाली कांग्रेस रौतहट के सचिव विजय नारायण यादव जी से अतिथि के आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। नेपाली कांग्रेस रौतहट के कोषाध्यक्ष राम श्रेष्ठ शाह जी को अतिथि आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। कांग्रेस नेता रौतहट के महासमिति सदस्य डॉक्टर देवचंद्र मिश्र जी को आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। संविधान सभा के प्रत्याशी उम्मीदवार संतलाल शाह जी को आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। प्रदेश सभा के प्रत्याशी उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस रौतहट के युवा नेता रामचंद्र गिरी जी से अतिथि आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। परवाह नगर पालिका के मेयर शेख वकील जी, जो 2 नंबर प्रदेश के नगर पालिका मेयर संघ के अध्यक्ष है, उनसे आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। वृंदावन नगर पालिका क्षेत्र नंबर 4 के क्षेत्रीय सभापति रामश्रेय यादव जी से आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। सिमरौनगढ़ 12 जिला के मेयर विजय यादव जी से आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। सरवाही जी
जी को आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। दुर्गा भगवती गांव पालिका के अध्यक्ष अरुण शाह जी को आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। इसीलिए इसी संदर्भ में आसन ग्रहण करने के लिए गरुड़ा नगर पालिका के उपमेयर रंगीला देवी जायसवाल जी को हार्दिक अनुरोध करता हूँ। राजपूत हरदपा के उपमेयर जफीरा खातून जी को आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। परवाहा नगर पालिका केंद्रीय सदस्य लोगों को हार्दिक अनुरोध करता हूँ। नेपाल तरुण दल रोहतक के सभापति नौशाद आलम जी को आने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। अतिथि आसन ग्रहण करने के लिए प्रदेश सभा के प्रत्याशी उम्मीदवार रामनिया राय यादव जी को अतिथि आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता है। इसी तरह प्रदेश सभा के प्रत्याशी इस विशाल आम सभा में तमाम पत्रकार साथीगण, चाहे वो टेलीविजन के हो, पत्र पत्रिका के हो, एफएम रेडियो के हो, तमाम पत्रकारगण से हार्दिक अनुरोध है इस विशाल आम सभा में नेपाली कांग्रेस की आम सभा में आपका स्वागत भी है और अतिथि आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। अतिथि आसन ग्रहण का क्रम जारी ही रहेगा। अशोक कुमार झा जिला समन्वय समिति सदस्य आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। नेवी संघ के निवर्तमान केंद्रीय सदस्य भोला नेपाल, पूर्व केंद्रीय सदस्य शैलेंद्र घिमिरे और नेवी संघ चितौन के जिला अध्यक्ष सूर्य ढकाल जी को अतिथि आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। सुशील शर्मा सरवाही जिला के जीपी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उनको अतिथि आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। हमारे तमाम महिला साथीगण, माँ बहने, महिलाएं की लाइन, महिलाएं की रूप बना हुआ है पंडाल के दाहिने साइड में, कृपया कर लोग शांतिपूर्ण तरीका से बैठ जाए। हमारे नेतागण आज इस विशाल भरी आम सभा में बहुत सारे समय लेकर नेपाल की राजनीति, गठबंधन सरकार की गलत क्रियाकलाप, नेपाली कांग्रेस की अपनी महिमा, ये सारी चीज हमारे नेतागण सुनाने वाले हैं। इसीलिए आप लोग शांतिपूर्ण तरीका से बैठने का प्रयास करें। हमारे महामंत्री डॉक्टर सुशांत कोईराला जी के स्वीय सचिव एवं महासमिति सदस्य भरत तिवारी जी को आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। महफिल में न सही तन्हाई में तो याद करोगे, महफिल में न सही तन्हाई में तो याद करोगे, कभी उस खुदा से फरियाद तो करोगे, न मिला है न मिलेगा नेपाली कांग्रेस। धन्यवाद। आप लोग अपने अपने सुरक्षित जगह पर बैठने का प्रयास करें, शांतिपूर्ण तरीका से रहने की प्रयास करें। राष्ट्रीय गान की धुन, ये गान बजाने के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रीय गान तमाम नेतागण से लेकर हम लोग राष्ट्रीय गान गाने का प्रयास करें।
का
निर्णय हम लोग ले रहे हैं, निर्वाचन पद्धति में है, मानव अधिकार के रास्ते पर है। सरकार, विपक्ष, ये सारी व्यवस्था, संसद की व्यवस्था, ये सारी की सारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें भरपूर योगदान हमारे नेपाली कांग्रेस के नेतागण का रहा है। हमारे तमाम नेतागण के तस्वीर पर माल्यार्पण हो रहा है। माल्यार्पण में शामिल हमारे नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड़े जी, महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला, डॉक्टर क्षेत्र नंबर दो के सांसद मोहम्मद प्रताप आलम जी, देवती वंश सिन्हा जी, सारे के सारे लोग तस्वीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं। भैया कार्यक्रम से पहले आगे से भाग जाओ और भ्रष्टाचार नगर्ने बचाउने भ्रष्टाचार
एयरपोर्ट सरकार 6 अरब 15 माथि को ठेक्का डायरेक्ट प्रधानमंत्री पारे हो देश लुटने लुटेराहरु को सरकार प्रश्न सरकार हो सब सचेत रहो मधेश बचाओ देश बचाओ मधेशी का नाम में हम एक तो पहले खंडित करने होला चिन्नो भन्दै मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो बाणीमा विश्राम गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल धन्यवाद मिता खनाल जी और अब एक नज्म पढ़ने के लिए तारीख कह रही नेपाली कांग्रेस का वरिष्ठ नेता
वैचारिक एवं सामाजिक समाजवादी चिंतक आदरणीय रामचंद्र पौड़ेजी, इस कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व बीबी पुत्र आदरणीय शशांक कोइरालाजी, इस कार्यक्रम का आयोजक तथा नेपाली कांग्रेस को इतिहास बोकेका इतिहास पुरुष पुत्र आप्त बालुमजी, इस कार्यक्रम का आयोजक अथवा इस कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूप में संपन्न कर अहोरात खट्नु भएका संघीय सांसद आदरणीय देवी प्रसाद तिमी सेनाज्यू, मंच में आसीन तमाम आदरणीय व्यक्तित्वहरु नेतागणहरु महिला तथा सज्जनवृन्द एवं रौतहटको यस इतिहास बोकेको यस भूमिमा यस जिल्लामा उपस्थित हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसको चार तारा झण्डा मुनि आबद्ध रहेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई सधैँ फलाउन फुलाउन र इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउनु पर्छ भनेर मन वचन र कर्मदेखि स्वस्फूर्त रूपमा आउनुभएका तमाम रौतहटवासी आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा म सीता सापकोटा नेपाली जनसमुदायकी बेल्जियमको सभापति तथा महासमिति सदस्यको तर्फबाट र सम्पूर्ण विदेश स्थित 32 देशका जनसम्पर्क समितिहरूको तर्फबाट जय नेपालको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। म यत्रो भव्य सभामा यति हाइटमा यति उच्च स्थानका नेताहरू बसेको सभामा धेरै समय लिन चाहन्न, यदि मैले लिएँ भने त्यो न्याय पनि हुने छैन। मात्र म एक दुईवटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो इतिहास रचेको छ। हिजो राणा फाल्यो, पञ्चायत फाल्यो, प्रजातन्त्रको लागि लड्यो, प्रजातन्त्र ल्यायो, लोकतन्त्रको लागि लड्यो, लोकतन्त्र ल्यायो, र हिजो संविधान बनाउनु पर्छ भनेर लाग्यो, संविधान निर्माण गर्यो, हिजो धेरै ठुला इतिहासहरू छेड्यो, देशमा विकास गर्यो, हिजो रैतीबाट जनतालाई जनता बनाउने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बन्यो। आज नेपाली काङ्ग्रेस कहीँ कतै थोरै मतले पछाडि पर्दै गर्दा आज प्रतिपक्षमा छ, तथापि पनि गुण र दोषको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका भनेको जहिले पनि मुलुक समृद्ध बनाउनेमा, देश विकास गर्नेमा जहिले पनि सकारात्मक भूमिका रहन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको अवस्थामा हुँदै गर्दा, नेपाली काङ्ग्रेस थोरै कमजोर हुँदै गर्दा हामी विचलित हुनुपर्ने जरुरी छैन। आज मैले भनिहालेँ, 32 मुलुकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सङ्गठनहरू आएर बाहिर छौँ हामीहरू, पार्टीलाई पढ्दै गर्दा, मुलुकलाई सन्तर पढ्दै गर्दा, हिजो भूकम्पले थला थला भयो देश, हिजो नाकाबन्दीले थला थला भयो देश, अस्ति मात्र तराईमा भीषण हावा हुरीले थला थला भयो हाम्रो तराई, त्यतिखेर हामी विदेशमा बसेर पनि हाँस्न सकेनौँ, हामी सुत्न सकेनौँ, हामी खान सकेनौँ। यो मानेमा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति हामी विदेशको जुन भूमिमा गएर पनि हाम्रो देशप्रतिको माया, श्रद्धा र पार्टीप्रतिको मायाले हामीलाई जहिले पनि यहीँ तानेको हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको लागि हामी विदेशमा बसेर जे पनि गर्न तयार छौँ। जब मुलुकलाई सङ्कट पर्छ, हामी कुनै पनि घडी कुनै पनि सेकेन्डमा हामी मुलुक आउन तयार छौँ। र नेपाली काङ्ग्रेसको लागि यो देश बचाउने नेपाली काङ्ग्रेस हो। मुलुक आज संसारबाट हराउँदै गएको कम्युनिस्टले सरकारले नेपाल चल्न सक्दैन, नेपालमा सम्भव छैन। ये गुरुंग और मगर समुदाय के ड्रेस में, उनके पोशाक में पड़ रहा है, बड़ा अच्छा नजारा लगेगा, लेकिन जितना जल्दी हो उम्मीद करें। गौड़ा नाच पोशाक देखकर, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में, उनके जिला में मगर की संख्या बहुत ही ज़्यादा तादाद में है, उनको भी आनंद लग रहा है ये ड्रेस को देखकर। और मैं सुमन भाई से अनुरोध कर रहूँगा कि वो आवे, वो तुरंत से तुरंत आहा
भोलिको राजनीतिमा एउटा मधेसबाट तराईबाट सिङ्गो देशको नेतृत्व गर्नको लागि अत्यन्तै शुभकामना दिन चाहन्छु। तरन्दर उहाँको साथमा छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, आज मधेसबाट आज हजारौँ जनताले साथी राखेर यो सरकारलाई सोध्न चाहन्छु। हिजो सरकारले चुनाव भोलिको दिनमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ। पार्टीको महामन्त्री एउटा शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, दिदी पुत्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरू दुईजनाले पार्टीलाई नेतृत्व गरेर बायाँ बायाँमा हेरेर पार्टीको भविष्यलाई हेरेर कार्यकर्ताहरूको तहलाई हेरेर तपाईँहरूले नेतृत्व गरेर खुट्टा नकमाएर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी उहाँहरू तपाईँहरूको साथमा रहेको आफ्नो प्रतिबद्ध व्यक्त गर्छौँ। आदरणीय नेता शशांक कोइरालाजी, नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्व केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री, आदरणीय नेता महामा आफ्ताब आलमजी, मनको विराजमान नेपाली काङ्ग्रेसके नेतागण उपस्थिति हुए, नेपाली काङ्ग्रेसके तमाम भाइहरू, पत्रकार मित्र, आज रौतहटको धरती और ऐतिहासिक जगह स्वर्गीय शेखी महोदय, हमारे प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर शशांक कोइराला जी, क्षेत्र नंबर 4 के सांसद देव प्रसाद तिमिल सिन्हा जी, वैसे ही इस जिला के तकदीर बदला और मेरे भाई बहन का कोई तकदीर नहीं बदला। आज देश के नौजवान चाहे हिमालय पहाड़ के, चाहे तराई मधेश के, हमारे नौजवान भाई क्यों नहीं हो, आज एक एक अपने रोजगार के लिए दर दर का ठोकर खा रहे हैं। आज वो लोग अपने सोच को, नौजवानों का एक सोच था कि हमारे पास भी एक रोजगार होगा।
लेकिन उस हमारे नौजवान भाइयों का सोच एक जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो गया, जवानी बुढ़ापे में बदल दिया, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है कि नहीं ये मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री जी से, ये सरकार से। इतना ही नहीं, इस देश का मुद्दा, इस देश का मुद्दा जवान नौजवान का भी है, किसान के भी, किसानों का भी है। आज किसानों का आज उनके उनके दर्द को पूछने वाला कोई नहीं। आज किसान दर दर का ठोकर खा रहा है, उनका आज पसीना पूछने के लिए सरकार तैयार नहीं है। उतना ही नहीं, पुनर्निर्माण में आज पुनर्निर्माण का सामूहिक 4000 इंजीनियर आज सामूहिक राजनामा करता है, इससे बड़ा सरकार का असफलता क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार पूरी तौर पर यह असफल सरकार है, यह असफल सरकार है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता असफलता। मैं दूसरा एक भ्रम, एक मधेश में, मधेश के लोगों में एक भ्रम क्या था मेरे भाइयों एवं बहनों, कि मधेशी पार्टी को हम वोट देंगे, मधेशी पार्टी, ये भ्रम फैलाया था कि मधेश का समस्या मैं समाधान करूंगा, मधेश के लोगों का दर्द का समाधान मैं करूंगा। ये बहुत दिन से ये भी एक भ्रम था। मैं पूछता हूं कि आज जिन लोगों ने मधेश के लोगों को माध्यम बनाया, उनके जज्बात को रोकने का काम किया, उनके दर्द को एक माध्यम बनाया सत्ता में पहुंचने के लिए, यही उम्मीदवार यादव, उपेंद्र यादव ने कहा था कि उपेंद्र यादव जी ने आज ओली के साथ, केपी शर्मा ओली के साथ आज सरकार में शामिल होकर रसभरी खाने का काम कर। मैं इसलिए मैं कहता हूं कि जिन्होंने मधेश के लोगों के जज्बात को रोका, मधेश के लोगों के दर्द को अपना माध्यम बनाया, मधेश के लोगों के पीड़ा को अपने कुर्सी का एक माध्यम बनाया, मैं कहता हूं इसी पर मुझे शेर एक याद आया। मुझे एक शेर याद आया कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, हम पर इल्जाम है बेवफाई, हम पर इल्जाम है बेवफाई का। आज जिसने इस चमन को, जिसने इस चमन को रोदने का काम किया, उसी ने दावा किया इस चमन के रहनुमाई का। यह एहसास का बात है, ये इससे बड़ा विकल्प क्या होगा। यादव जी से, उपेंद्र यादव जी से एक तरफ कहते थे कि हम मधेश का समस्या समाधान करेंगे, मधेश के लोगों का दर्द का समाधान करेंगे, अगर उनके पास नेतृत्व होता, उनके पास मधेश के लोगों का थोड़ा सा भी दर्द अगर महसूस हुआ होता, अगर मधेश के लोगों का दर्द उनके पास थोड़ा होता, मधेश के लोगों का दर्द का थोड़ा सा भी मधेश के लोगों का प्यार होता। उसने कहा था कि जब तक पूर्ण जो दर्द है हमारे मधेश के भाई बहन का, जो दर्द है वो दर्द नेपाल की कांग्रेस के पाए कोई नहीं कर सकता है, जब भी बयान करेगा तो नेपाली कांग्रेस ही करेगा। और मैं अपने तमाम भाई बहन से ये बात मैं कहूंगा कि नेपाली कांग्रेस, ये भी आपको मालूम होगा कि नेपाली कांग्रेस का सोच यह है कि मधेश के लोगों को जगह मिले, ये सोच नहीं होता तो 36 साल में बीपी कोयराला ने कहा था कि देश में जब प्रजातंत्र होगा तो वसुंधरा चौधरी
क्या वो सोच एक नेपाल वो सांप्रदायिक सभा का सोच था, सामाजिक एकता का सोच था। इसलिए दूसरी बात नेपाली कांग्रेस का सोच एक ब्राह्मण का सोच है। आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट 48 साल में एमाले के माध्यम से वो डिस्टर्ब हुआ, अवरुद्ध हुआ, पौने 3 महीना दिन तक अवरुद्ध रहा, उस परिस्थिति में इस पर सर पकड़ाए नेपाली कांग्रेस के सभापति और नेपाली कांग्रेस के सभापति गणेशमान सिंह से उन्होंने राय सलाह करने गए कि ये पौने 3 महीना सदन सभा का सोचता उतना ही नहीं। गिरजा प्रसाद बैराला जो एक युग पुरुष थे, अगर राम मोहन यादव को पहला राष्ट्रपति घोष का करने का काम किया, वो गिरजा प्रसाद बैराला एक मधेशी आदमी को पहला राष्ट्रपति बनाने का निर्णय किया, वो भी तो एक नेपाली एक सांप्रदायिक सद्भाव का सोच था, वो एक सामाजिक एकता का सोच था, वो नेपाल देश में एक ब्राह्मण का एक सोच था। इसलिए मैं कहता हूं मैं अपने भाई बहन से कि जब भी आपका जो समस्या है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसको नेपाली कांग्रेस के सेवा दूसरा कोई पार्टी समाधान नहीं करेगा। इसलिए मैं अपने तमाम भाई बहन से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग इस नेपाली कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और इतना ग्रुप में आप लोग इस विशाल जनसभा को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता शेख आफ्ताब आलम जी अब सिर्फ दो ही वक्ता रह चुके हैं। प्रमुख अतिथि ने पूर्व मंत्री आफ्ताब आलम जी देवी प्रसाद विनोद सिन्हा जी नेतागण उपस्थित महानुभाव सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई जय नेपालको न्यानो अभिवादन गर्छु। स्वीकार जय नेपाल, नेपालको जय होस्। नेपाली कङ्ग्रेसले नेपालको जयको लागि धेरै काम गरेको छ। 15 वर्ष नेपाली कङ्ग्रेसले सत्तामा बस्यो र 13 वर्ष कुनै काम नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै काम गर्यो। गिरिजा प्रसाद कोइराला जब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला मात्रै 7,000 किलोमिटर बाटो थियो, आजको मितिमा 86,000 किलोमिटर कसले बनायो? नेपाली कङ्ग्रेसले बनायो। एउटा मात्रै मेडिकल कलेज थियो यो राष्ट्रमा, आजको मितिमा 20 वटा मेडिकल कलेज छ, कसले बनायो? नेपाली कङ्ग्रेसले। एउटा मात्र विश्वविद्यालय, दुईटा विश्वविद्यालय थियो, आज 1 दर्जन विश्वविद्यालयहरू छन्, कसले बनायो? नेपाली कङ्ग्रेसले। गिरिजा बाबुको 48-51 सालको अवसर त्यो चाहिँ स्वर्ण अवसर म भन्छु, किनभने उहाँले खुला बाजार अधिकरण गरेर यहाँ समृद्धि ल्याउने प्रयास गर्नुभयो, तर उहाँको 3 वर्षको कार्यकाल जति सफल हुँदा आउँदा पनि हामी सत्ता चुन भयौँ। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसले सङ्घर्ष गर्यो र 3 मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले संविधान नदिन सकेको परिस्थितिमा सुशील कोइरालाले हामीलाई संविधान पनि दिएर जानुभयो। सुशील कोइराला सिम्पल मान्छे, एकदम साधारण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको विचार अत्यन्त उच्च थियो। आज मैले महिलाहरूलाई हेरिरहेको छु र महिलाहरूलाई हेर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने महिलाहरूको 33% मात्रै होइन, महिलाहरूलाई आउँदो दिनहरूमा 50% आरक्षण गर्नुपर्छ भनेर म महिलाहरूको तर्फबाट भन्न चाहन्छु। आज मधेसमा म महामन्त्रीको हैसियतले बोल्दैछु, आज मधेसमा मधेसी हेर्दा हेर्दाखेरि 3 वटा पद एउटा पद मधेसीहरूले कम्प्लिट गर्छ, कि त राष्ट्रपति, सभामुख या प्रधानमन्त्री, यो 3 वटा पदमा एउटा पद चाहिँ मधेसले पाउनुपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। अब आउँदो 4 वर्ष बाँकी छ नेपाल।
कांग्रेस को सही आराम मेरा यो विश्वास हो नेपाली कांग्रेस को सिद्धांत उसको विचार उसको इतिहास र उसका कार्यकर्ता यति सक्षम छन् एक आपसमा मित्र भाव राखेर नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख स्थान मानेर जान नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू काफी छ तर हाम्रो बिचमा त्यो तिक्तता जुन छ त्यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ अन्त गर्नुपर्छ अनि मात्र नेपाली कङ्ग्रेस नम्बर एक पार्टी भएर आउन चाहन्छ मैले अघि भनिहालेँ यहाँ परिवर्तन अहिलेको अब मुलुकमा नेपाली कङ्ग्रेसले त बाटो तोडिसकेको छ यो सरकार यत्रो महँगी बढेको छ बलात्कारका इस्युहरू छ वाइट बडी कान्डहरू भएको छ बुढी गण्डकी कान्डहरू भएको छ त्यो काण्ड नगरेर सरकारले राम्रो काम गरे भने हामी प्रतिपक्षमा बसेको साथीहरू पनि सरकारमा हामी मद्दत पुर्याउन सक्छौँ तर यो रवैया उनीहरूको रहिरह्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस चुप लागेर बस्दैन आउँदो दिनहरूमा हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ सडकमा नाराजबाजी गर्नुपर्छ सदनमा त हामी छौँ सङ्ख्या कम छौँ तर त्यही पनि हामीले हरेक मुद्दा सदनमा उठाएका छौँ तसर्थ आउँदो दिनहरूमा तपाईँहरूले एउटा कुरा ख्याल के गर्नुहोस् भने आफ्नो पुरा दिमाग नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फ लिएर जानुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसलाई एक बनाउनुहोस् हामी हाम्रो त्यसपछि विजय हुन्छ 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 र अन्तमा म रामकृष्ण तामाङको निधन हुनुभएको छ उहाँको दिवङ्गत आत्माको शिर शान्तिको कामना गर्दै विदा पनि हुन चाहन्छु जितने का हौसला रखो यारो एक जीत या हार से कोई सिकंदर या फकीर नहीं बनता फकीर नहीं बनता उनको हौसले बुलंद करने के लिए हामीले तिन दिनसम्म त सिलिङ चलाएका थियौँ बिक्री कोइराला पनि
हनुमान थे दरेशमान जी को भी हनुमान थे क्या कहने किशोर जी गिरिजा बाबू हम सम्मानित किया हूँ माँ बन के आपको दिन में पढ़ाई करते हैं तो दिन को समझना पढ़ाई ने बने आई राम चौ तो आज इतनी ठूलो संख्या में इतनो विशाल दम संलोम में आज यहाँ देर बोल पाऊंगा मैं यात्री तक खुशी लाए को छा कि कम से कम तराई को संदेश आज देश भरी जाओ गाँव तो आपको संदेश नेपाल भरी जाओ कि तराई का धंधा गाँव तो आपका धंधा लोकतंत्र को पक्ष में अटल छन् लोकतंत्र को पक्ष में दृढ़ छन् त्यो तराई ने संदेश दियो र आज म के भन्न चाहन्छु भने हिमाल पहाड़ तराई मधेश जो नेपाल को चाहिए एउटै एउटा चाहिए विभिन्न एउटा चाहिए श्रृंखला में रहेको राष्ट्र हो त्यो राष्ट्र को एकता को अखंडता को लागि तराई मधेश का जनता पनि उत्तिकै चाहिए तैयार भएर त्यो देशलाई एकतामा लानको लागि तत्पर भएर त्यो देशको रक्षा रक्षकको रूपमा बसिरहेका छन् त्यसको रक्षण सीमाको संरक्षकको रूपमा रहेका छन् त्यस कारण चाहिँ म तराईको जनतालाई गाउँको जनतालाई सलाम गर्न चाहन्छु तर आज म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले तराईको हितमा मधेसको हितमा यहाँका जनताको हितमा धेरै अगाडिदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ दुईबाट भएको 2007 सालको क्रान्तिको सुरुवात केही तराईको सिमाना बोर्डरमा त्यो भैरवीयको सम्मेलन गरेर 7 सालको क्रान्ति सुरु गरेको त्यो ठाउँ पनि हो त्यस कारण तराई मधेस नेपाली काङ्ग्रेससँग अभिन्न छ तराई मधेस लोकतन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेस एक अर्कामा छुट्याएर छुट्याउन भिन्न गर्न सकिँदैनन् एउटै दाने श्रृङ्खलाका त्यही एउटै मालाका चाहिँ उनका माला खुला र मालाहरू हुन् र आज तराईमा जुन जति पनि विकासको कामहरू भएको छ त्यो हाम्रै पालामा सुरु भएको हो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ गुलाकी मार्ग जो बन्दैछ त्यो हामीले सुरु गरेको हो ठेकदारको कमजोरीले गर्दा समयमा हुन सकेन तर यत्रो ठुलो विशाल योजना हामीले सुरु गरेका छौँ त्यो सिँचाइका योजनाहरू बागमतीदेखि लिएर गण्डकी कोशीदेखिका सिँचाइका योजना पनि तराईमा हामीले नै सुरु गरेर सिँचाइको सुविधा कहाँको जनतालाई दिँदै आएका हौँ र त्यस्तै गरेर तराईमा आज आवश्यकता पानीको हाम्रो भूमिलाई सिँचाइको आवश्यकता छ भन्ने नारा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले दिइरहेको छ केपी ओली पानी राहतको कुरा गर्दैछन् भने हामी हाम्रो भूमिलाई सिँचाइ गर्न पानीको कुरा गरिरहेका छौँ उहाँ पानीको कुरा गर्नुहुन्न पानी राहतको कुरा गर्नुहुन्छ पानी राहतको कुरा भनेको यहाँका सबै सिँचाइका योजनाहरूलाई तलतिर पानी भाँचेर पानी जहाज आउनलाई बाटो बनाउने हो त्यसले गर्दा हाम्रो जमिनलाई अझ सुक्खा बनाउँछ त्यसो भएको हुनाले
झूठ यत्रो ठुलो जनतालाई फसाउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको रहेछ त्यो कुरा अब हामीले बुझ्नु पर्ने बेला आएको छ। त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भने कि चाहिँ यो नौतहतको जो इतिहास छ यो क्रान्तिको इतिहास यो नौतहतको जो इतिहास छ यत्रो ठुलो किसान आन्दोलन यही भूमिमा भएको थियो क्रान्तिका धेरै कुराहरू यही भूमिमा भएका थिए र यही भूमिमा ठुला ठुला क्रान्तिकारी नेताहरू पनि जन्मेका थिए र आज यो भूमिको जुन सभा आज सम्पन्न भयो त्यसले देशलाई एउटा सन्देश पनि दिइरहेको छ र त्यस कारण म यो फेरि के भन्न चाहन्छु भने म देशको नारा मात्र लगाएर हामी मधेसवादी हौँ भनेर मात्र यो पनि मधेसको हित हुँदैन। मधेसको हित केमा छ मधेसी जनताको हित केमा छ त्यो कुरा बुझ्नु सक्नुपर्छ। मैले मधेसी पार्टीका नेताहरूलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँहरू साँच्ची नै मधेसको हित चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले तिन चारवटा कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। नम्बर एक मधेसमा कृषि क्रान्तिलाई ध्यान दिनुहोस्। मधेसमा कृषि क्रान्ति आवश्यक छ त्यसको लागि सिँचाइको आवश्यकता छ त्यसको लागि कृषिमा नयाँ प्रविधिको आवश्यकता छ त्यसको लागि कृषिलाई नयाँ आधुनिकीकरण यन्त्रीकरण गरेर भैया किसानको सरकार सुखिला फुकिला किसान बनाउने सुखी किसान बनाउने कुराको सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर मधेसमा बस्ती विकासको योजना अगाडि ल्याउनु पर्यो ठुलो अरबौँ खरबौँको बस्ती विकासको योजना यहाँ आवश्यक छ। म गएको वर्षाले डुबाएको बेलामा यही जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ओरेको थिएँ तराईका विभिन्न ठाउँमा म आएको थिएँ त्यो बेलामा जलमग्न थियो तराई र त्यही जस्तोभन्दा धेरै अगाडि मैले किताबमा लेखेको थिएँ कि यहाँको जमिन यहाँका सारा नदीहरू तल जाने बाटो पुगे चुने भत्केर आएर पुगेर माथि माथि हिँड्न थालेका छन् खेत खेतमा गाउँ गाउँमा बस्न थालेका छन् तिनलाई खोलेर नदीको गाउँलाई त्यो चाहिँ सबै ग्राबर ल्याएर ठाउँ ठाउँमा ठुला ठुला विशाल चाहिँ टारहरू बनाएर त्यहाँ प्लान सिटी नयाँ सडकहरू गाउँ जिल्ला जिल्लामा गाउँ गाउँमा ठुल्ठुला चाहिँ बस्तीहरूको निर्माण गर्न आधुनिकीकरण कृषि क्रान्ति अर्को बस्तीको विकास यो बस्ती राम्रो बस्ती सुरक्षित बस्ती र चाहिँ सभ्य बस्ती न तराईका जनतालाई बस्नुको लागि सुविधा राज्यले दिनुपर्छ त्यो ठुलो प्रोजेक्ट त्यहाँ लाग्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ र म यो कुरा अहिले पनि भन्दैछु। मैले उहाँहरूलाई भेटेको बेला पनि भने तर उहाँहरू यो कुरा बुझ्न सुन्न तयार पनि हुनुहुन्न र यतापट्टि ध्यान छैन उहाँहरूको केवल सरकार कृषि मात्रै चाहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले मधेसको उन्नति गर्ने हो भने मधेसमा कृषि क्रान्ति हुनुपर्छ मधेसमा चाहिँ यहाँको यातायातको सुविधा अत्यन्त राम्रो हुनुपर्छ र यहाँ यो चाहिँ बस्तीहरूको विकास अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले गरिनुपर्छ गर्न सक्छौँ यहाँ हामीले चाहिँ धेरै किसिमको उन्नति गरेर जान सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले मधेसको विकासको लागि कृषि क्रान्ति आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा हो र अहिले नेपालमा जुन किसिमको शासन चलिरहेको छ यो शासनबाट नेपाल र नेपाली जनताको भलो हुन सक्दैन यो देखिसकियो। कम्युनिस्टहरूले धेरै नारा दिए तर एउटा पनि काम गर्न सकेनन् तर नेपाली काङ्ग्रेसले केही महिना तिन वर्षको समय पाएको थियो 48 सालपछि गाउँ गाउँमा बाटो बिजुली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार सबै ठाउँमा ल्याएको थियो ग्रामीण विकासको जल बसालेको थियो। 52 साल आएर जब माओवादीले हिंसाको काण्ड मचायो तब देशको विकासलाई धेरै ठुलो धक्का लागेको छ। आज तिनै कमी सत्तामा छन् आज यिनीहरूले विकासको नाममा आज देशलाई चाहिने यत्रो भ्रष्टाचारको यो चाहिँ अखाडा बनाएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो भ्रष्टाचारको विरोध नै अब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने उद्देश्य हुनुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने कम्युनिस्टले देश सम्हाल्न सक्दैन कम्युनिस्टले देश बनाउन सक्दैन कम्युनिस्टले देशलाई उन्नति गरिदिन सक्दैनन् कम्युनिस्टले देशलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न सक्दैनन् त देशलाई आज लोकतान्त्रिकरणको आवश्यकता छ। यत्रो आन्दोलन भयो त्यसलाई सार्थक बनाउन त्यहाँ लोकतन्त्र साकार पार्नुपर्छ लोकतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्छ र नेपाललाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै लोकतान्त्रिकरण गर्न जरुरी छ। हाम्रो पार्टीभित्रै पनि सुधारको आवश्यकता छ हाम्रो पार्टीभित्र पनि धेरै किसिमका विकृतिहरू छन् यी विकृतिहरूलाई अन्त गरेर नेपाली काङ्ग्रेस
दिनुपर्ने छ। त्यसो भएर म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरेर नयाँ फ्रेस स्टार्ट गर्न थालौँ, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ, पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध बनाएर नयाँ सुरुवात गरौँ। यो अब यही केन्द्र यही समितिबाट यही अवस्थाबाट यो सुधार हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन। त्यस कारण एकैचोटि अधिवेशनमा जाउँ र त्यो अधिवेशनले एउटा टुङ्गो दिन्छ र अनि नयाँ सुरुवात गरौँ र त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सुधारेर नेपाली काङ्ग्रेसमा परिवर्तन ल्याएर यो राष्ट्रलाई परिवर्तनको बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व दिने अवस्था सिर्जना गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले नै यो मुलुक बनाउँछ, समृद्धिको नेतृत्व काङ्ग्रेसले नै गर्छ, तर त्यसको लागि काङ्ग्रेस आफै सुधिन जरुरी छ, काङ्ग्रेस आफै परिवर्तन हुन जरुरी छ, काङ्ग्रेसभित्र धेरै ठुलो परिवर्तनको आवश्यकता छ, सुधारको आवश्यकता छ। किनभने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, हामी आफैभित्र पनि आत्मनिरीक्षण गर्ने, आत्मरचना गर्ने, आफैभित्र सत्यको खोजी गर्ने, लोकतन्त्रको खोजी गर्ने त्यो साहस हामी राख्दछौँ। म सम्पूर्ण साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसलाई बढाएर यो देशलाई नेतृत्व गर्ने एउटा नयाँ बाटो दिउँ, नयाँ ढङ्गले हामी देशलाई अगाडि बढाउन। कम्युनिस्टहरूले जुन देशलाई लुटमा चाहेका छन् त्यो लुटबाट देशलाई बचाउँ, कम्युनिस्टबाट देशलाई बचाउँ, लोकतन्त्र विरोधीहरूबाट नेपाललाई नेपालको लोकतन्त्रलाई बचाउनु छ र यो राष्ट्रलाई बचाउनु छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बचाउनु जरुरी छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई बचाउन हामी सबै लागौँ। समय मलाई धेरै छैन, तपाईँहरूलाई पनि अब समय गरिनु भइरहेको छ, म यही कुराहरू सन्देशहरू तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। आज म यो चाहिँ दिनमा मैले चाहिँ हाम्रो नेता रामकृष्ण ताम्राका जो चाहिँ हाम्रो पार्टीको अत्यन्त होनहार नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँको निधन भएको आज चाहिँ 5 दिन भएको छ र उहाँको चाहिँ 3 दिन हामीले शोक मनायौँ, 3 दिनसम्म हामीले कुनै पनि कार्यक्रम नगरेर हामीले मनायौँ। आज 5 दिनमा हामीले यो चाहिँ कार्यक्रम यहाँ गरेका छौँ, तर यो कार्यक्रम पनि उहाँलाई नै सम्झिएर उहाँकै शोकको रूपमा श्रद्धाञ्जली सभाको रूपमा यसलाई हामीले रूपान्तरित गरेका छौँ र यो श्रद्धाञ्जली सभामा म हाम्रा स्वर्गीय नेता रामकृष्ण ताम्राकारको आत्माले शान्ति पाओस्, उहाँको परिवारले चाहिँ परिवारमा चाहिँ संवेदना दिँदै र उहाँको आत्माको शान्ति कामना गर्दै म उहाँप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। धन्यवाद हमारे वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड़ेल जी। और अब ये कार्यक्रम को विधिवत समापन करने के लिए राष्ट्रीय सभापति खाली को अनुरोध करता हूँ। मैं बिजनेस मिस्ट आज के उद्घोषक विदा लेना चाहता हूँ। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस अब हो चुका मिलना, न तू खाली न मैं खाली। दोस्तों आज इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। डाक्टर साहब 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 डाक्टर साहब